क्या पेनिस मसाज के लिए हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत समय से कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या नारियल का तेल हम अपने पेनिस पे या फीमेल वजाइना में यूज़ कर सकते हैं? कितना सही, कितना गलत, कितने साइड इफ़ेक्ट, चलिए डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं या आपने किसी को करते हुए सुना है तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देख लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल सॉल्यूशंस लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। गो फॉलो इट राइट नाउ और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेशन है, प्लस कोकोनट ऑयल सेफ है, इसके अंदर ग्लिसरीन या ग्लाइकोल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके पेनिस मसाज के लिए या वजाइनल ल्यूब्रिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और जब हमारे पास और ऑप्शंस नहीं थे तो कोकोनट ऑयल को ही हम इस्तेमाल करते थे। मोरओवर, पहले के जमाने के जो कोकोनट ऑयल्स थे वो थोड़े से प्योरिटी वाइज स्टैंडर्ड्स अच्छे होते थे, लेकिन अब कोकोनट ऑयल में हमें आंवला भी मिलता है, ये भी मिलता है, इतनी और वैरायटी मिलती है, तो हम उसको एग्जैक्टली अपने वजाइनल या पेनिस ल्यूब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करने का डायरेक्ट राय मैं नहीं देती हूँ। जबकि कोकोनट ऑयल अल्कोहल फ्री है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, मोरओवर ये रिपेयर बहुत जल्दी करता है, अगर कहीं कट लगा है या कहीं चोट लगी है तो रिपेयर करता है। प्लस कोकोनट ऑयल की मसाज आपके अंदर की नर्व्स या मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो कि और लोग यूज़ करते हैं, जैसे घर पे और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, या वो कोकोनट ऑयल में आंवला, शिकाकाई या कुछ और कंटेंट है, तो वो आपके पेनिस और वजाइना के लिए नहीं बना है। उससे आपको मल्टीपल इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं। प्लस कोकोनट ऑयल रिपेयर का काम नहीं करता। अगर आपको लगता है कि कोकोनट ऑयल यूज़ करने से मेरी नर्व्स बेटर हो जाएंगी, या जो मैंने मास्टिबेशन कर लिया रिकवर हो जाएगा, या कोकोनट ऑयल करने से मेरा कोई लूज स्किन वाला कोई इशू कवर हो जाएगा, या मेरे को फोर स्किन के इश्यूज कवर हो जाएंगे, नो, कोकोनट ऑयल इज़ मोर ऑफ अ ल्यूब्रिकेशन जो आप मे बी मास्टिबेशन के टाइम पे या पेनिट्रेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका प्योर होना इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटर मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप घी या किसी और, या एलोवेरा जेल्स को यूज़ करते हैं, कई लोग हनी को यूज़ करते हैं, कई लोग ल्यूब्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके पेनिस और वजाइनल ल्यूब्रिकेशन के लिए ही बनी हुई हो। मैंने रेकमेंड कर रहा है और हमेशा भी कर दिया है नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो पेनिस मसाज के लिए ही बना हुआ है, जो आपके फोरस्किन इशू, इरेक्शन इशूज़, नर्व मसल्स को बेटर करना या स्ट्रेंथ देना उसके लिए बेटर है। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर 2 मंथ्स, एक सिंपल बॉटल नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल के आपके 2 से 2.5 महीने निकाल देगी। 3 से ज़्यादा ड्रॉप हेल्प करेगी आपके नॉर्मल मसाज के लिए। कैसे मसाज करना आप इस वीडियो को देखें, मैंने यहाँ डिटेल में बता रखा है। प्लस दिस इज आयुष प्रमाणित सेफ। इसके अगर मैं इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो अश्वगंधा, सफ़ेद म्यूसली, शतावरी और इसके अंदर लौंग है, जो कि पेनिस मसाज ऑयल का बेस्ट इंग्रेडिएंट है। सेक्स करते के दौरान या सेक्स करने के दौरान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस्ट रिकमेंडेशन है रादर देन यूजिंग एक्स वाई जेड कोकोनट ऑयल और एक्स वाई जेड ल्यूब्रिकेशन। लिफ्ट अप ऑयल को आप, नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल को आप यूज़ करें, और जब भी आप लिफ्ट अप ऑयल बाय करें नेचर मेनिया का लोगो ध्यान से पढ़ें कि अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इसे बाय करना है, ताकि आप स्कैम में ना फंस जाएं और स्पैम ही ना हो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है, और अगली बार कोकोनट ऑयल यूज़ करने से पहले 10 बार अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और सोचें कि क्या ये सेफ है, क्या ये प्योर है, और लिफ्ट अप ऑयल को ज़रूर अपने घर रखें। लिंक मैं दे देती हूँ आपको कमेंट पिन में, ताकि आप अभी जाके इसे बाय कर सकें और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर कर सकें। बने रहें, जुड़े रहें, ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।